सपने तो आप भी देखते होंगे, लेकिन क्या कभी सोचा है कि सपने क्यों आते हैं और अगर सपने ना आए तो क्या होगा? आज तक साइंटिस्ट को भी ये बात परेशान करती आई है और इसके बारे में रिसर्च जारी है। तो आज के वीडियो में सपनों के बारे में बात करने वाले हैं और जानेंगे इसके बारे में 10 मज़ेदार फैक्ट्स। नंबर 1, हम ज़्यादातर सपने रेम स्टेट में देखते हैं, जिसका फुल फॉर्म है रैपिड आई मूवमेंट। इस स्टेट के दौरान हमारी आंखों की मूवमेंट तेज़ हो जाती है, लेकिन बॉडी के बाकी पार्ट्स जैसे हाथ और पैर पैरालाइज रहते हैं, ताकि हम नींद में ही हाथ पैर चलाने ना लग जाए। ये स्टेट रात में 2 घंटे के लिए चलता है। नंबर 2, दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो सपने ना देखता हो। जो लोग अंधे होते हैं उन्हें भी सपने आते हैं और पालतू जानवरों को भी सपने आते हैं। हम सपनों का 95 से 99% भूल जाते हैं, इसलिए यह हमें ज़्यादातर समय याद नहीं रहता। नंबर 3, डरावने सपने ज़्यादा बच्चों को आते हैं। स्टडी से पता चला है कि 40% बच्चे रात को डरावने सपने देखते हैं, जिसमें कोई उनका पीछा कर रहा होता है, और खाने के तुरंत बाद सोने से रात में डरावने सपने आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 4, आपका सपना इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा टीवी देखते हो। 1915 से 1950 तक किया गया एक सर्वे में पता चला कि 12% लोग ब्लैक एंड व्हाइट सपने देखते थे, लेकिन 1960 के बाद कलर टीवी आने की वजह से ये नंबर 4% से भी कम हो गया। नंबर 5, हम ज़्यादातर ऐसे सपने देखते हैं जिसका कोई सेंस नहीं बनता हो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके दादाजी हैं और कॉलेज में एक बहुत अच्छा दोस्त है आपका, लेकिन वो दोस्त और दादाजी एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते और ना ही कभी मिले हैं, उनके बीच कोई लिंक नहीं है। फिर भी आप सपने में देखोगे कि वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते हैं और बातें भी कर रहे हैं अपने डेली लाइफ की तरह। ये तो सिर्फ एक एग्जांपल है, ऐसे कई सपने आते हैं जिनका कोई ठीक मतलब नहीं होता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सोते वक्त हमारे ब्रेन का जो पार्ट सेंस बनाता है, हर चीज़ का मतलब निकालता है, वो बंद रहता है। नंबर 6, 1 या 2 दिन पहले हमारे साथ जो सब हुआ होता है, हमें कभी कभी उसी से रिलेटेड सपने आते हैं। ये तो नॉर्मल बात है, आपको पता होगा, लेकिन सपने कभी कभी भविष्य भी दिखा सकते हैं। आपके साथ अगले दिन क्या होने वाला है ये आप सपने में देख सकते हो, और कई लोग देखते भी हैं। नंबर 7, हमारा दिमाग कभी भी कोई नया चेहरा नहीं बना सकता, इसलिए हम उसी को सपने में देखते हैं जिसको असल ज़िंदगी या टीवी में कहीं देखा हो। नंबर 8, अगर आप स्ट्रेस नहीं लेते, हमेशा खुश रहते हो, तो चांसेस ज़्यादा है कि आपको अच्छे सपने आए। वहीं इसका उल्टा, अगर आप हमेशा चिंता करते हो, कभी खुश नहीं रहते, तो बुरे सपने आने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए अपने ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। नंबर 9, एक इंसान जिसकी उम्र 10 साल से अधिक है, वो एक रात में अपने 4 से 6 सपने देखता है, और ज़्यादातर लोगों को अच्छे सपनों से ज़्यादा बुरे सपने आते हैं, ऐसा स्टडी से पता चला है। नंबर 10, एक ऐसा भी टेक्निक है जिससे आप अपने सपने को कंट्रोल कर सकते हो। इस टेक्निक को ल्यूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। इसके जरिए आप सपनों में जो मर्जी वो कर सकते हो, जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हो। सपनों में मज़े करने के लिए ये टेक्निक बिल्कुल सही। आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर हमारा पहला वीडियोस नहीं देखा है तो स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके देख सकते हो। आगे ऐसे वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना।